स्टैंडर्ड 12, चैप्टर 12, इलास्ट्रेशन नंबर 6, क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, ध्यान देना। यूजिंग द रिडबर्ग फॉर्मूला कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट फोर स्पेक्ट्रल लाइन इन द लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज में फर्स्ट फोर स्पेक्ट्रल लाइन की आपको वेवलेंथ फाइंड करनी है ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए, ठीक है ना। चलो जी, लाइमन का तो हमें पता ही है, वेवलेंथ के लिए हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना। ओके, तो फ्रॉम हमारे पास फॉर्मूला है रिडबर्ग कांस्टेंट। फ्रॉम रिडबर्ग फॉर्मूला एच सी डिवाइड बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू एम ई रेस टू 4 डिवाइड बाई 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर एच स्क्वायर 1 डिवाइड बाई फाइनल 1 डिवाइड बाई इनिशियल का स्क्वायर। ये हमारी फॉर्मूला लाइमन सीरीज में, फॉर लाइमन सीरीज एच सी डिवाइड बाई लैम्बडा इज इक्वल्स टू। अच्छा, लाइमन सीरीज के लिए एफ क्या रखेंगे, एन फाइनल 1 ही रखना होता है, ठीक है। ओके, अब इसका कैलकुलेशन मास रखो 9.1, 10^-31 ई रखना है 1.6 × 10^-19 8, फिर एप्सिलॉन 0 एच सबका वैल्यू रखोगे तो 21.76 हमने थियरी में लिखा था × 10^-19। ओके, ये आ जाएगा 1/1 का स्क्वायर, ठीक है, -1/ni² ये हो जाएगा हमारा इस तरह से, ठीक है। ओके, नाउ एच सी डिवाइड बाई लेमडा इज इक्वल टू 21.76 × 10^-19। यहाँ पे एलसीएम लूंगा यानी ni² -1/ni², ये मेरा एलसीएम हो गया। मुझे फाइंड करना है लेमडा, इसलिए मैं लेमडा को सब्जेक्ट बना दूंगा, तो लैम्बडा सब्जेक्ट बन गया है मेरा। एच सी डिवाइड बाई 21.76 × 10^-19 ये भी उल्टा हो जाएगा यानी कि ni² / ni² - 1, ठीक है ना। मैंने लैम्बडा को क्या बनाया, सब्जेक्ट बना लिया। नाउ सारी वैल्यूज रखेंगे तो लैम्बडा लैम्बडा इज इक्वल्स टू 6.625 × 10^-34 × 3 × 10^8 डिवाइड बाई 21.76 × 10^-19 ये हो जाएगा ni² / ni² - 1, ठीक है। सो दैट लैम्बडा इज इक्वल्स टू ni² × 913.4 × 10^-10 डिवाइड बाय ni² - 1। ऊपर का जो आंसर है वो 913.4 × 10^-10 आ जाएगा। ये हमें लैम्बडा का एक स्टैंडर्ड इक्वेशन मिला, ठीक है ना। अब हमें बोला है कि फर्स्ट फोर यानी कि n इक्वल्स टू 2 और n इक्वल्स टू 2 यानी फर्स्ट मिलेगा, n i इक्वल्स टू आपको क्या रखना है 2 यानी आपको क्या मिलेगा फर्स्ट स्पेक्ट्रम लाइन, ठीक है ना। n i इज इक्वल्स टू 2 के लिए तो लैम्बडा 2 दे देते हैं नाम हम लोग, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 913.4 × 10^-10 और ये भी आ जाएगा 2 का स्क्वायर -1। तो लैम्बडा 2 का आंसर क्या आएगा आपका 1217.8 × 10^-10 मीटर। सो लैम्बडा 2 का आंसर क्या आ जाएगा 1218 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो गया लैम्बडा 2 का। नाउ इसी तरह आपको क्या करना है, एन आई की जगह पे 3 रखना है, देन एन आई की जगह पे 4 रखो एंड एन आई की जगह पे 5,
ये फर्स्ट, इसमें से सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, चार आपको स्पेक्ट्रम लाइन की वेवलेंथ मिल जाएगी, ठीक है ना। ये इतना जो पोर्शन है वो आपको सेल्फ करना है। थैंक यू।